हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम जानेंगे कैसे आप PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो अपने व्हीकल के लिए। चाहे आपका व्हीकल टू व्हीलर है या फिर फोर व्हीलर है या फिर अदर कोई व्हीकल है, उसके लिए कैसे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो आइए जानते हैं। तो इसके लिए आपको कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना होगा एम परिवहन, या फिर इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। बाकी देखिए, वेबसाइट आ जाएगी। फर्स्ट वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे, ऑनलाइन सर्विस में आएंगे। इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर आएंगे, एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा PUCC, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जब आप PUCC पर क्लिक कर लेते हैं, आपके पास वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से ओपन होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो देखिए, यहाँ पे वेबसाइट हमारी आ चुकी है। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको PUCC सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ स्टेप्स रहेगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी रहेंगी, उसके बाद आप PUCC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और चैसी नंबर आपको फिल करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब हो गया आपके व्हीकल का नंबर, जो भी आपके गाड़ी का नंबर है वो नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। जैसे कि DL से स्टार्ट हो रहा है या फिर UP से स्टार्ट हो रहा है, वो वाला नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में आपको चेसिस नंबर फिल करना है। चेसिस नंबर व्हीकल के गर्दन पर लिखा होता है, नहीं तो आपको इंश्योरेंस में या RC में मिल जाएगा चेसिस नंबर। चेसिस नंबर फिल करना है, आपको ध्यान में रखना है चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट ही फिल करना है। उसके बाद PUCC डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे। फिर देख सकते हो आपका PUCC सर्टिफिकेट ओपन होकर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। मैं सिक्योरिटी पर्पज से आपको ब्लर करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपका PUCC सर्टिफिकेट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। प्रिंट करने के लिए नीचे देखिए, आपके पास प्रिंट और रीसेट का 2 ऑप्शन मिलेगा। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक कर देते हैं, आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रिंट के यानी PDF के रूप में बनकर आ जाएगा। और यहाँ पे ऊपर डिटेल भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट आपने कब यहाँ पे इशू कराया था, डेट वगैरह लिखा रहेगा, टाइमिंग भी लिखी रहती है और कब तक वैलिड है भी यहाँ पर लिखा रहता है। तो आपको ये सब चेक कर लेना है। उसके बाद PUCC सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऊपर भी एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको PDF के रूप में आप सेव कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर प्रिंटर है तो उसे डायरेक्ट आप प्रिंट करके निकाल सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से आप PUCC सर्टिफिकेट अपने टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर व्हीकल के लिए डाउनलोड कर सकते हो।